Somebody just came in the room. I was thinking कि यार नान चने ढूंढते हैं, मिल जाएंगे. Mission नाश्ता 2.0. Assalamualaikum. Third day of the Eid, a super random day. और अभी जो है वो सुबह के 10:30 हो रहे हैं और मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने. और क्या है आज यार, आज कुछ भी नहीं है. मे भी कोई फ्रेंड्स वगैरह से मिलने, क्योंकि दो दिन हो गए हैं कोई फ्रेंड से भी नहीं मिले. अभी चलते हैं नाश्ता लेते हैं, देखते हैं नाश्ता मिल भी रहा है कि नहीं, बिकॉज़ टाइम जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गया. और अभी उठे हैं तो लेट्स गो. तो यार मिशन नाश्ता 2.0, क्योंकि पहली जगह जहाँ से हम लोग नॉर्मली नाश्ता लेते हैं वहाँ पे नाश्ता मिला नहीं है. और अब जो है मैं एक और जगह जाके देखता हूँ कि वहाँ पे, वैसे नान चने लेने थे लेकिन अब हलवा पूरी की तरफ मैं आ गया हूँ, क्योंकि नान चने मिल नहीं रहे और अच्छी जगह से नहीं मिल रहे. मिलते तो हैं लेकिन अच्छी जगह से नहीं मिल रहे, तो ईद वाला दिन जो है वो पेट नहीं ख़राब करवाना हमने. देखते हैं यार, पता नहीं यहाँ पर हलवा पूरी लगा रहे हैं कि नहीं ये लोग. इससे पहले कि कोई गाड़ी मारे, क्लोज दैट शिट. ओके, तो यार हलवा पूरी की जगह मैंने मीठी पूरियाँ सिर्फ ले ली हैं. और आई वॉज थिंकिंग कि यार नान चने ढूंढते हैं, मिल जाएंगे, क्योंकि हलवा पूरी थोड़ी हैवी हो जाती है. नहीं तो अभी जो है मिशन नान चने दोबारा से रिबूट कर रहे हैं हम, तो अभी चल रहे हैं नान वाली जगह. तो मुझे मिल गई है, चने ढूंढने हैं अब. यार पूरी गाड़ी तप गई है, इसी ऑन करें. यार नान लेते लेते 15 मिनट हो गए हैं और शीशा नहीं खोला. लाइक इट्स बिन 15 मिनट्स यार, और गाड़ी मेरी धूप में खड़ी है, बिल्कुल बिल्कुल तप गई. और अब जो है मिशन छोले, चने छोले खा के, फ्रेश फ्रेश ताज़े ताज़े छोले खा, चने लेते हैं अभी और फिर चलते हैं हम लोग घर की तरफ. बल्कि घर जाने से पहले भी मेरे ख्याल से एक दो काम है. वो एसी ऑन था और मैंने ऑफ़ कर दिया. घर जाने से पहले भी एक दो काम है, वो करते हैं और फिर चलते हैं घर और नाश्ता करते हैं. यार फिर से लग रही है यार, ईद ख़त्म होती है ना जैसे ही, तो फिर हम इस गाड़ी का भी काम करवाते हैं, क्योंकि इसके पेंडिंग में बहुत सारे काम थे. और मैंने सोचा था कि रमज़ान में जो है ना कोई भी काम नहीं करवाऊँगा, बिकॉज़ आपको पता है धूप की हालत आप देख सकते हैं. पाकिस्तान इज़ द मोस्ट हॉटेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह के 11 बजे और यहाँ पर वैसे 32 शो हो रहा है, बट इट फील्स लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड राइट नाउ. तो अभी जो है काम करते हैं, ईद के बाद इंशाल्लाह जो है इसके गाड़ी के काम के भी व्लॉग्स आएंगे. थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशन मैं सोच रहा हूँ उसमें करवाते हैं, वो भी करवाएंगे. और स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया. ओके, तो मिशन चने जो है वो फाइनली कंप्लीट हो गया. और अब शुक्र है घर की तरफ चलते हैं यार, अब ठीक है ना. ऑलराइट गाइस, सो वी हैव गॉट चने, वी हैव गॉट दही, वी हैव गॉट ब्यूटीफुल नान तिलों वाला. और अभी जो है हम इसको खाते हैं. नॉट बैड, मज़ेदार. अच्छा, तो बॉय सीन ये हुआ है कि मैं निकला था अली ब्रो से मिलने, अली इज़ माई फ्रेंड. तो अभी रात के कोई 10 बजने वाले हैं और मैं उससे मिलने निकला था, बट आप देख सकते हो कि मौसम कैसा है. मैंने तो खैर गाड़ी में जाना था, बट उसने बाइक में आना था, तो वो उसने कर दिया है कैंसिल. बिकॉज मौसम जो है वो ऐसा हुआ हुआ है कि बाहर फुल ऑन मट्टी है. अगर आप मुल्तान में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मुल्तान में कुछ ज़्यादा ही अंधेरियाँ आती हैं और आंधी आती है कुछ ज़्यादा ही, और दबा के आती है यहाँ पे. तो अभी का सीन फिर यही है कि वापस मैं घर जाता हूँ, बिकॉज़ आई एम ऑल द वे टू द कैंट. लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ घर, और सबसे पहला काम जो करना है ना वो ये, आप देख रहे हैं कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है, तो फ्यूल डलवाते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं. यार ये तो शेल पम्प इन्होंने बंद कर दिया, व्हाट द हेल. मैंने सोचा था यहाँ से पेट्रोल डलवा लूँगा, और यार ये रेंज सिर्फ 22 की शो
कर रही है, ये ना वो रास्ते में खड़े हूँ चलो यार आगे कहीं देखते हैं कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यार नॉर्मली जिस पेट्रोल पंप से मैं डलवाता हूँ पेट्रोल वो उस साइड पे है, बट एज यू कैन सी कि यहाँ पर है बीच में डिवाइडर और इस लेन में आई गेस जो आगे पेट्रोल पंप आता है ना यार मैं उसको ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि मैंने एक दो बार पेट्रोल डलवाया और मुझे ऐसे फील हुआ है कि मैंने पेट्रोल कम डाला। तो एक ही पेट्रोल पंप आएगा आगे शेल का और वो काफ़ी ज़रा यहाँ से दूर है तो वहाँ पर रुक के पेट्रोल डलवाते हैं और बेसिकली यहाँ पर दो हैं पेट्रोल पंप और हम एक पे भी नहीं जा सकते। बहुत किस्मत ही देखो हमारी। बॉस मैंने तो एसी भी बंद कर दिया है, टेंशन हो रही है। मीन 19 की रेंज बड़ी है और अभी घर भी जाना है यार। यार टैंकी फुल तो नहीं, खैर 3500 का पेट्रोल में ये इतना ही आता है, 23 लीटर्स आया आई थिंक। और मज़े की बात दिखाने वाली ये है कि अभी आप देख सकते हो कि इसकी एवरेज जो है कितनी ज़बरदस्त आ रही है गाड़ी की। मैं तो कहता हूँ कमाल नहीं हो गया, कमाल से भी कमाल हो गया कि गाड़ी 34.5 किलोमीटर की एवरेज दे रही है। कोई ऑल्टो ऐसी गाड़ी ऐसी एवरेज दे सके जो, मैं कहता हूँ अखीर कर दी गाड़ी ने मेरी। This is the best car ever. मैं नहीं मानता। Anyways, all jokes aside, जब ये मीटर रीसेट करते हैं ना टैंकी फुल करवा के तो मोस्टली जो है ये ऐसे ही एवरेज शो करती है। अभी आपके सामने हल्की हल्की जो है ये एवरेज नीचे आना शुरू हो जाएगी, जैसे आप देख सकते हो 35.4 कभी 33 तो ये हो जाएगी नीचे। सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, होपफुली आपको पसंद आया होगा और इसके साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल। नीचे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे भी भाई को फॉलो कर लें। आपसे मिलते हैं एक नए ब्लॉग में किसी और दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।